हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे राजस्थानी स्टाइल में लापसी, बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में जैसे बनती है वैसे। तो चलिए देखते हैं लापसी कैसे बनाएं। इसको बनाने के लिए एक कटोरी देसी घी चाहिए, दलिया चाहिए, एक कटोरी चीनी, और ड्राई फ्रूट में मैंने लिया है किशमिश, बादाम, इलायची और गरी। आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। सबसे पहले हम 2 बड़े चम्मच देसी घी कढ़ाई में डाल के गर्म कर लेंगे। घी गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे दलिया और इसे मध्यम आंच पर पका लेंगे, लगातार चलाते हुए जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। हमें इसे धीमी आंच पे पकाना है लगातार चलाते हुए। दलिया को मध्यम आंच पे पकते हुए 5 से 10 मिनट हो गए हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया है और इससे खुशबू भी आने लगी है। आप देख सकते हैं इसका कलर ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। जितना दलिया लिया होगा उसे 3 गुना ज़्यादा पानी डालना है। अगर आपने 1 कटोरी दलिया लिया है तो 3 कटोरी इसमें पानी डालें। अब हम दलिया को अच्छे से मिक्स करके मध्यम आँच पर फिर से पका लेंगे ढक के। आप दलिया को कुकर में भी बना सकते हैं। अब हम इसे ढक के पका लेंगे मध्यम आंच पे। जब तक दलिया बॉईल हो रहा है तब तक हम इलायची को पाउडर बना लेते हैं और ड्राई फ्रूट को भी कट कर लेंगे। इलायची का पाउडर रेडी हो गया है और लापसी को पकते हुए 20 मिनट हो गया है। बिल्कुल दानेदार लापसी बनी है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी खिली खिली लापसी बनी है। तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी और 1 बड़ा चम्मच देसी घी और इसे मिक्स करके 5 मिनट तक और पका लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर और ड्राई फ्रूट और इन्हें मिक्स कर लेंगे। लापसी को और भी टेस्टी बनाने के लिए 1 पिंच इसमें नमक डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कढ़ाई घी छोड़ने लगी है, इसका मतलब लापसी रेडी हो गई है। तो चलिए लापसी को करते हैं अब सर्व। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। जय हिंद। और हमें ज़रूर बताएं कि आपको लापसी की वीडियो कैसी लगी।